नमस्कार, स्वच्छतापुर में आपका स्वागत है, जहां हर व्यक्ति स्वच्छता की बातें करता है और स्वच्छता का ध्यान भी रखता है। चलिए आपको अस्पताल परिसर में ले चलते हैं, जहां आपको सिस्टर निर्मला स्वच्छता के बारे में बताएंगी। क्या आप जानते हैं आपको एवं मरीजों को सुरक्षित रखने के लिए सबसे जरूरी क्या है? समय पर दवाइयां देना, अस्पताल को साफ सुथरा रखना। बिल्कुल ठीक। इनके अलावा एक और साधारण परंतु आवश्यक प्रक्रिया है, जिसका पालन करना हम सब हॉस्पिटल कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है। हाथ धोना। हॉस्पिटल में होने वाले 80% तक इन्फेक्शन से मरीजों एवं हॉस्पिटल कर्मचारियों को बचाया जा सकता है केवल हाथ धोकर। क्या आप जानते हैं कि हाथ कब कब धोने चाहिए? मरीजों को छूने के बाद। बहुत अच्छे। चलिए मैं आपको बताती हूँ वो 5 परिस्थितियाँ जब हाथ धोए जाने चाहिए। पहला, किसी भी मरीज को छूने से पहले हाथ धोएं। दूसरा, किसी भी मरीज के ऊपर स्वच्छ एवं जीवाणु रहित प्रक्रिया शुरू करने से पहले हाथ धोएं। तीसरा, किसी भी मरीज के तरल पदार्थ के संपर्क में आने के बाद हाथ धोएं। चौथा, किसी भी मरीज के परिवेश में आने वाली चीजें जैसे तकिया, बिस्तर, साइड रेलिंग इत्यादि को छूने के बाद हाथ धोएं। पांचवा, किसी भी मरीज को छूने के बाद हाथ धोएं। जितना जरूरी हाथ धोना है उतना ही जरूरी है सही प्रकार से हाथ धोना। क्या आप जानते हैं हाथ कैसे धोए जाने चाहिए? जी सिस्टर जी, नल खोला, पानी के नीचे हाथ रखे और धो लिए। आइए मैं आपको बताती हूँ हाथ धोने का सही तरीका। ध्यान रखें, हाथ धोने से पहले चूड़ी, अंगूठी और घड़ी अवश्य उतार दें। फिर हाथों को गीला करें और उपयुक्त मात्रा में साबुन ले लें। स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग। पहला, दोनों हाथों की उंगलियों और हथेलियों को परस्पर मलें। दूसरा, हाथों की उल्टी सतह पर उंगलियों के बीच में मलें। तीसरा, हाथों को इस तरह मलें। चौथा, अंगूठे को गोलाई में चारों तरफ से मलें। पांचवा, उंगलियों के सिरों को दूसरी हथेली पर गोलाई में मलें। छठा, कलाई को मलें, फिर पानी से धो लें। ध्यान रहे, हर स्टेप को 2-3 बार दोहराएं। 30 सेकंड का समय हाथ धोने के लिए पर्याप्त है। अब आपके हाथ साफ हैं। हाथ धोते समय कुछ बातों का ध्यान रखें। सिंक पर्याप्त मात्रा में गहरा होना चाहिए। तरल साबुन का प्रयोग करें। हाथों को धोने के बाद पहले इस्तेमाल किए हुए तौलिए से ना पोंछें। हाथ धोने के बाद कोनी से नल बंद करना ना भूलें। हाथ धोने की विधि सिंक के ऊपर लगा कर रखें। सिस्टर निर्मला, हमें इतनी जरूरी जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद निर्मला जी। स्वच्छता रखें, स्वस्थ रहें। स्वस्थ हाथ हम सबका स्वास्थ्य।